हमारे हार और जीत में सिर्फ एक चीज का फर्क है, सोच। डिजायर सोच क्रिएट करती है। पहले क्या होता है? सोच क्या? डिजायर, डिजायर कुछ पाने की चाहत। फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसने नहीं लगाया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। पता नहीं सीए के नाम में ऐसा क्या है दोस्तों, ये जो सीए का नाम है ना, नाम, यू डोंट रियलाइज दिस राइट नाउ, मगर ये जो सीए का नाम है ना, इट हैज अमेजिंग पावर्स। आपने सुना है राम से बड़ा राम का नाम? सुना है आपने? सबसे बड़ी चीज होती है जब जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ तो खास करना है, ये कुछ होना चाहिए। हमारे दिमाग में वो फीलिंग आ गया ना, कुछ भारी करना है, तो फिर वो सपना आपको सोने नहीं देगा। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि वी लुक फॉर मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स, आपको अपने में से मोटिवेशन नहीं आता, आपके अपने गोल्स नहीं है। अरे गोल्स बनाओ भाई, रोज पागलों की तरह, दीवानों की तरह उनका पीछा करो। जो आपको डिस्टर्ब करता है छोड़ दो उसे, जो आपको पॉजिटिव रखता है, जो मोटिवेट करता है, जोड़ दो उसे अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। क्या नहीं कर सकते आप? क्या फर्क है उनमें, डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं, क्या फर्क है? एक झूठ है जो जाकर के आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल। अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं, कुछ नहीं है। जब तुम्हें वो हो गया, नहीं यार मुझे 50 करोड़ कमाने के हैं, या मुझे सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, या मुझे ऐसी ऑडी गाड़ी लेना है, या मुझे बंगलो लेना है, मेरे माँ बाप को फॉरेन टूर भेजना, ये सब डिजायर है जो तुम्हें ये करने को मजबूर करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। अगर मेरे को सीए भी बनना है, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, मस्ती भी करना है, मोबाइल भी चाहिए, पागल हो गए क्या? सब कैसे मिलेगा आपको? So, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है गाइस कि यार गिव योर बेस्ट 100% दे दो इस बार, शानदार वाला। देखो मैं बताऊं ना, आप ये समझो कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो मानना है वो मान के और एग्जाम दे दो। किसी को कोई ज्यादा बाकी चीजों का प्रेशर है नहीं, जितनी पढ़ाई होती है उतनी करो। और यार 100% आपके पास काम क्या है आज यार, पढ़ना ही तो है, और क्या काम है अपने पास करके, ठीक है? जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है। देखो भाई, पाना बहुत अधिक है तो फिर खोना भी चाहिए ना उसके लिए। आपके सपने देखे ऐसे, आपके शौक ऐसे, आपको लगता है मैं ब्रांडेड पढ़ लूँ, मैं सब, मेरे पास कार भी ऐसी होना चाहिए, मेरे पास मेरा हवा होना चाहिए, मेरे फॉलोअर्स भी चाहिए, लोग मुझे देखे, मुझे सुने, वो सारी चीज़ें होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ उतना एडिशनल करना भी पड़ेगा। बट यार डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल, जस्ट फोकस टू योर स्टडी। अपने आप को कूल रखो, अपने आप को दिमाग में शांति रखो। ये जो नाम है ना CA, the moment you attain this word CA, you command respect, power, recognition, social status, everything. It has amazing, amazing power. I don't know something about this. पर लोग कहते हैं राम नाम जपो पार लग जाओगे। I say कि अगर आप CA का नाम राम जप रहे हो, जिस तरीके से all of you are at this point in time in your life, I can tell you from my experience, going to serve you. There is no doubt about it. ये जो सीए का नाम है, ये सीए से बड़ा है। सीए का नाम सीए से बड़ा, ये बात आप भूलना नहीं। इस दुनिया में दो टाइप के लोग, एक आम आदमी, एक खास आदमी। कुछ लोगों को जिंदगी आम बोल के बहुत पसंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, एक 2 BHK का फ्लैट होगा, एक 8-10 लाख की गाड़ी होगी, और वो जिंदगी जीने को, दूसरों की जिंदगी देख के उसको तरस नहीं आती। मान लो समझो उसके पेरेंट्स के पास में 2 BHK का फ्लैट है, 8-10 लाख की गाड़ी है, थोड़ी बहुत सेविंग है, और उसको लगता है मेरी लाइफ भी ऐसी होना चाहिए, तो उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। पर आपको जब लगता है ना ये देख के, यार नहीं ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं देना, मुझे मेरे माँ बाप को एक बेटर लाइफ देना है, ऐसा है मरमर नहीं करना है, क्या कर रहे हैं, कभी भी पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, देन यू रियली हैव टू वर्क हार्ड।
आपको आउटस्टैंडिंग काम करना पड़ेगा। हर चीज देखो, लोगों को है ना बहुत बार ये लगता है कि हर चीज ऐसे ही मिल जाती है। मतलब आज आप उसको सक्सेस देखते हो कि यार महेंद्र सिंह धोनी के पास 1500 करोड़ है या 2000 करोड़ का बंदा है वो, ठीक है, या विराट कोहली के पास ये है, बट आपको उसकी मेहनत पता नहीं, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसने जो जहां से वो बंदा आया है और जो चीजें वो मेंटेन की है इतने सालों तक, क्या काबिलियत है यार, क्या क्वालिटी है उन लोगों में, और वो आपको लानी पड़ेगी, वो आपको बनाना पड़ेगा, और वो सब तभी हो सकता है ना जब आप मेहनत करोगे। मतलब लड़को देखो जरा अपने अगल बगल में, वो कैसे बिजनेस के बारे में सोचते हैं। एक एप्लीकेशन है साहब Zomato, जिसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ रुपए है। 5 साल पहले सिर्फ 2 लड़कों ने स्टार्ट किया उसको, 5 साल पहले विद अ सिंपल आइडिया कि हाँ भाई ठीक है, लोगों को कुछ मसलों में दिक्कतें होती होंगी खाने पीने को लेकर, उससे कंटेक्स्ट में उन्होंने किया। आज उसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ है। ट्राई टू ड्रीम लाइक दिस। जिस दिन वो सब कुछ होगा ना, मैं सीए बन जाऊंगा ना, तो मैं वक्त को अपने हिसाब से चलाऊंगा। आज वक्त मुझे अपने हिसाब से चला रहा है, एक समय आएगा मैं वक्त को अपने हिसाब से चलाऊंगा। दूसरा, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पढ़ाई क्यों नहीं, रिलेशनशिप, यार मोहब्बत, तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना, कोई काम नहीं आने वाला। आपको मैं कैसे समझाऊं ये बातें, कोई काम नहीं आने वाला भाई, कोई काम नहीं आने वाला, सिर्फ आपके, आपके माँ बाप। आपके माँ बाप ने कभी आपको ऐसा बोला है कि चल आज पिक्चर देख लेते, पढ़ मत? अगर ऐसा बोला है तो पक्का बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। अगर ऐसा नहीं बोला है तो उनको पता है कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। सब पता है, सब लाइफ में बहुत सारे रास्ते खुलेंगे जब आप सीए बनोगे। और सीए बनने के बाद यार एक मस्त चीज ये होती है ना कि आप बहुत ज्यादा मतलब रिस्क ले सकते हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपको लगता है बिजनेस करना है, बिजनेस कर सकते हो आप, क्या फर्क पड़ता है यार, बिजनेस में फेल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाएंगे, ठीक है, सीए बने हैं, कहीं ना कहीं कोई भी 1,00,000 रुपए अपने को दे देगा महीने का। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस आपको ये डिग्री दिलाएगी। बिकॉज एट दिस एज इतनी क्लैरिटी होना चाहिए, इतना सैक्रिफाइस तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, कोई नहीं करता। नो इंजीनियर, नो MBA इज डूइंग ऑल दिस। पूरे इंडिया में आपसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा 100%। इस एज ग्रुप में इससे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं इंडिया में जो आप कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति आपके घर में आके आपको डंडे मार के नहीं पढ़ा सकता, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और खुद पढ़ाई तभी होगी जब आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन आएगी। अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगी, जब आप सेल्फ अवेयर होंगे। आप सेल्फ अवेयर ही नहीं है तो क्या आपसे लड्डू पढ़ाई होगी? आप बस चले जा रहे हो, अंधेरा रास्ता है, आंखें बंद करके उस पर चले जा रहे, जो हो गया ठीक है, जो नहीं हुआ वो भी ठीक है। एक दिमाग में बात डाल लो, आपको रोज सुबह उठ के 5 से 10 मिनट 15 मिनट अपनी गोल्स के ऊपर, अपनी जो भी आपके टारगेट्स है लाइफ में उनके ऊपर लगाना है, उनको लिखना है। थिंक ऑन पेपर, कह के थक गया, थिंक ऑन पेपर, दिमाग में चल रहे हैं टारगेट्स। कर कौन सा कोर्स है? CA। कर कौन सा कोर्स है? MBA। अरे कितनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग पढ़ते हो यार इन कोर्सेज के अंदर, इन सब्जेक्ट्स के अंदर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लगा लो अपनी लाइफ में, आप जो बिजनेस करने वाले मॉडल्स हैं अपनी पढ़ाई पे लगा के देखो कैसे सक्सेसफुल होते हो आप। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी मैं बता दूं, एक फ्रेंड्स ने स्टार्टअप चालू किया था 2-3 साल पहले, 350 करोड़ में बेचा उसने, 350 करोड़ में फंडिंग बेची है उसने, और उसके कुछ 60% फंडिंग बेची है 350 करोड़ में। वो बंदे को देख के लगता नहीं था यार 350 करोड़ उसको मिलेंगे। 350 करोड़ मिले उसको, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 350 करोड़। बट मैं बताऊं, ये सब चीजें पॉसिबल है। आपको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, अपने खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। जिस दिन आप बन जाओगे ना, तो वक्त आपके हिसाब से चलेगा, वो दिन आएगा बहुत जल्द। और मैं बताऊं, ये लाइफ में एक अलग ही, मैं बताऊं, सीए एक अलग इंसान बनाता है। इंडिया में जो IIT है, ठीक है, IIT बनने का जो बनता है ना बंदा, उसमें एक अलग दिमाग होता है। मतलब एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है जो IIT बता करती है, अच्छा यार ये बंदा IIT क्रैक किया है इसने। वैसा ही है सीए भी। सीए की बड़ी वैल्यू है मार्केट में करके, ठीक है, जब आप बोलोगे किसी को ना हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यार शानदार वाली फीलिंग आती है अंदर से। आगे वाला भी आपको रिस्पेक्ट से देखता है, एक बार वो सोचता है बंदा सीए है,